एवरीवन, आज की हमारी एक्टिविटी है बॉटल आर्ट। ये बॉटल आर्ट हमने मैदा से बनाई है। चलिए आइए देखते हैं ये एक्टिविटी कैसे करनी है। ओके गाइस, हमें इस एक्टिविटी के लिए चाहिए कांच का कोई भी जार चलेगा, कोई बॉटल चलेगी, राइट। इवन आप चाहो तो कोई कांच की प्लेट यूज़ कर सकते हो, उसके बैक साइड पर आप उसको कर सकते हो। आपको मैदा एंड सॉल्ट का एक टाइट डो चाहिए, राइट। और आपको कुछ ब्रशेस चाहिए, बटर नाइफ चाहिए, पेंसिल चाहिए और एक्रिलिक पेंट्स चाहिए एंड फेविकॉल चाहिए, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्टिविटी। हमें इस डो से हम ये एटलीस्ट छोटी छोटी 1 रुपी कॉइन के साइज़ की ये बॉल चाहिए, राइट। सो हम ये 6 बनाएंगे। मैं अभी आपको रोज़ फ्लावर बनाना सिखा रही हूँ कि इस मैदा डो से आप रोज़ फ्लावर कैसे बनाओगे फॉर योर बॉटल, ठीक है। तो ये मैं 6 फ्लावर ले रही हूँ, 6 बॉल ले रही हूँ। ओके, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 हमारी ये 6 बॉल्स हो गई। अब हम इनको प्रेस करेंगे। ये देखिए मैं इसको अपने पाम से प्रेस कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, आप चाहें तो इसके लिए रोलर पिन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये ऐसे सिंपल अपने पाम की हेल्प से इसको फ्लैट कर रही हूँ। तो फ्लैट करनी है आपको ये 6। ओके, ये जो हमारी 6 हमने ये ऐसी छोटी छोटी जो सर्कल्स बनाए हैं, इनको हम एक के ऊपर एक रख कर इसकी एक लाइन में इसको असेंबल करेंगे। देखिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गए। हल्का हल्का हम इसको टैप करेंगे, ठीक है। अब हम वन साइड से एक सेंटर में हल्का सा इसको पिंच करेंगे और इसको फोल्ड करेंगे। देखिए ऐसे इसको रोल करेंगे, देखिए। ओके, ये हमने इसको रोल कर दिया, ठीक। अब हम इसको सेंटर से थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ये देखिए, ठीक। अब हम इसको सेंटर से कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ नाइफ, राइट। ये देखिए, अब मैं इसको सेंटर से कट कर रही हूँ। हमने इसे कट किया और ये देखिए, ये फ्लावर बन गया हमारा। अब हम इसको ओपन करेंगे, सी। अब इसको हमने फ्रंट साइड में करके ये हमारा रोज फ्लावर बन गया। कितना इजी है ये। ओके गाइस, ये देखिए हमने अब इतनी बड़ी बॉल ली है, राइट। दो बॉल लेकर हमने इसको प्रेस करके और थोड़ी बड़ी साइज़ की ये छोटी चपातियाँ बनाई है, ठीक है। ये देखिए, एक बार फिर से इसको हम प्रेस कर रहे हैं। आपकी पाम साइज़ लीजिएगा इसकी चपाती के लिए। हम इसकी लीव्स बना रहे हैं, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना है बेटा, हम अपना ये नाइफ से ही, बटर नाइफ से ही थोड़ा सा लीव ड्रॉ कर लीजिए। ये देखिए, मैं सिंपल इसमें लीव ड्रॉ कर रही हूँ और एक्स्ट्रा वाले को कट कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप। अब हम इसको प्रेस करेंगे, सी। ये देखिए, हमने प्रेस कर लिया। अब आप देखेंगे मैंने स्लीव को हाफ से ज़्यादा कट कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने हाफ से ज़्यादा इसको कट कर दिया, देखिए। और कट करके इसको मैं अपवर्ड साइड में फोल्ड कर रही हूँ, इसको 3D इफेक्ट देने के लिए। नाउ लुक एट दिस लीव, देख रहे हैं आप। अब ये आपकी 3D लीव बन गई। अब आपकी इस 3D लीव पर हम चाहें तो इस पर थोड़े मार्क कर सकते हैं। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल लगने लगी है, ठीक। ऐसे ही हमको 3-4 अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप कितनी भी लीव्स बना सकते हो, राइट। ओके, ये देख रहे हैं, मैं इस बॉटल पर थोड़ा सा कुछ डिज़ाइन ड्रॉ करती हूँ। मैं यहाँ पर एक छोटा सा छोटा वाला रोज़ यहाँ पेस्ट कर रही हूँ। और ये देखिए, इसको अच्छे से आपको थिक फेविकॉल लेना है इसकी पेस्ट करने के लिए। ये देखिए, ठीक। और ये देखिए, मैं इसको डो को थोड़ा सा इसकी स्टिक बना रही हूँ उस डो से, ठीक है। अच्छे से धीरे धीरे प्रेस कीजिए, ठीक। अब आप
आप यहाँ पर कहीं पर लीव्स लगाइए, कहीं पर रोज लगाइए, ताकि थोड़ा सा इसको डिज़ाइन को हम डेवलप हो सके हमारा, ठीक है। ओके गाइस, अब हम इसको पेंट करेंगे। देख रहे हैं ये बॉटल में जितना भी हमारा मैदा आर्ट वर्क है वो हमारा ड्राई हो गया है, और अब हम ड्राई होने के बाद इस पर पेंट करेंगे, ठीक है। अब हमारी बॉटल रेडी हो गई है, अब हम इसमें वॉर्निश करेंगे। ओके, नाउ आई एम अप्लाइंग वॉर्निश। बहुत ध्यान से आपको ये वॉर्निश अप्लाई करनी है, वॉर्निश से ये काफी सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। ओके, दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। आई होप You enjoy this activity. Bye. See you and have a nice day.